Hello friends, welcome back to Vanna's Art Impression. Friends, today I am going to show you another tutorial of Madhubani painting. आज हम लोग वर्क करेंगे कश्मीरी स्टाइल की मधुबनी पेंटिंग पे, जो मधुबनी पेंटिंग की बहुत ही पॉपुलर स्टाइल है। इसके लिए मैंने यहाँ 300 GSM की सीट ली है, जिसका साइज़ है A4। ये काफ़ी मोटी सीट है, आप अपने अकॉर्डिंग 150 GSM से ऊपर की सीट ले सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बॉर्डर बनाएंगे, मैं स्केल का यूज़ कर रही हूँ और मैंने यहाँ सीटी मार्क कर लिया है। और सबसे पहले हम लोग बॉर्डर लाइन ड्रॉ करेंगे। बॉर्डर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मधुबनी पेंटिंग, विच मेक्स पेंटिंग वेरी अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल। इसलिए जब भी बॉर्डर हम लोग ड्रॉ करते हैं, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि जब भी बॉर्डर लाइन ड्रॉ करें वो डबल लाइन में हो, और मोटिव जब तैयार करें वो भी डबल लाइन में हो, तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है। यहाँ मैंने बॉर्डर लाइन तैयार करने के बाद मैं मोटिव तैयार कर रही हूँ, और यहाँ पे जो मैं फ्लावर तैयार कर रही हूँ उसके बैकग्राउंड को मैं कश्मीरी स्टाइल से फिल कर रही हूँ। मैं इसे पास कर दिखा रही हूँ। ये देखिए, मैं फ्लावर से ड्रॉ करने के बाद मैं कश्मीरी स्टाइल यानी फाइन लाइन से मैं इसे फिल कर रही हूँ, जिससे ये बॉर्डर बहुत ही अट्रैक्टिव लगने लगेगा। कुछ और फ्लावर्स भी दिखा देती हूँ, जिससे आप जब भी बॉर्डर ड्रॉ करें तो इस पैटर्न्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जो बहुत ही ईजी है और बहुत ही सुंदर लगती है बॉर्डर के रूप में। इसे आप भरने स्टाइल में भी तैयार कर सकते हैं बॉर्डर में, लेकिन मैं यहाँ कश्मीरी स्टाइल की पेंटिंग तैयार कर रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे कोई भी कलर का यूज़ नहीं करूँगी। यहाँ मेरी फर्स्ट बॉर्डर तैयार हो चुकी है, अब मैं यहाँ सेकंड बॉर्डर तैयार करूँगी। यहाँ सेकंड बॉर्डर के लिए मैं जिगजैग पैटर्न से बॉर्डर तैयार कर रही हूँ, और सर्कल मैं बीच में डाल देती हूँ, जिससे ये छोटी सी बॉर्डर भी बहुत सुंदर लगने लगेगी। बॉर्डर तैयार हो जाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये बॉर्डर कैसी लग रही है। बॉर्डर तैयार हो जाने के बाद बहुत सुंदर लगने लगी है। अब यहाँ हम लोग एक लेडी की पिक्चर ड्रॉ करेंगे। उसके लिए मैंने पेंसिल यूज़ किया है और फेस ड्रॉ कर रही हूँ मैं सबसे पहले। ये लेडी का आधा फेस उसकी साड़ी से ढका हुआ है और आधा फेस उसका दिख रहा है। मैं ऐसा दिखाना चाहती हूँ कि ये गाँव की लेडी हैं, जो सब्जियाँ अपनी टोकरी में रख कर घर की ओर जा रही हैं। ये आप अक्सर आपको देखने मिलेगा किसी विलेज एरिया में, बहुत सारी थी औरतें जो अपने रोज़गार के लिए सब्जी बेचने का काम करती हैं, वो लज्जावश अपने दुपट्टे से अपना आधा सर ढक कर रखती है, जो भारतीय संस्कृति को इंडिकेट करता है, जो मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं इस टाइप के स्टाइल। तो मैं इस स्टाइल को आपके सामने रखने की कोशिश कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये ड्राइंग बहुत पसंद आएगा और आप भी इसे ज़रूर बनाएंगे। अगर कोई भी टाइप की प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। यहाँ मैं ड्राइंग पेंसिल से तैयार कर रही हूँ, इसलिए यहाँ मैं डबल लाइन नहीं दे रही हूँ। जब मैं इसे ओवरराइड कर लूँगी सीटी मार्कर से, तो साथ में ही इसे मैं डबल लाइन दूँगी, जो मधुबनी पेंटिंग की खासियत होती है। सबसे पहले हम लोग ये ड्राइंग तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने ड्राइंग तैयार कर ली है, अब मैं इसे सीटी मार्कर से आपको ओवरराइड करके दिखाती हूँ। देखिए, ओवरराइट हो जाने के बाद ये बहुत सुंदर लगने लगी है। साथ में मैंने डबल लाइन दिया है और मैं डबल लाइन के अंदर से कश्मीरी स्टाइल से फिल कर रही हूँ।
आप चाहे तो इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं। देखिए मैच कश्मीरी स्टाइल से फिल करने के बाद ये बहुत सुंदर लगने लगी है। अब मैं डिफरेंट पैटर्न से इसके पोशाक को मैं सजाती हूँ। आप इसे इंजॉय कीजिए और साथ ही मैं मधुबनी पेंटिंग्स से जुड़ी बहुत सारी रोचक बातें और कश्मीरी स्टाइल से जुड़ी रोचक बातें आपको बताना चाहूँगी। जैसा कि आपको मधुबनी पेंटिंग के बारे में पता ही होगा कि मधुबनी पेंटिंग बिहार और नेपाल के मिथिलांचल प्रदेश से बिलोंग करता है। शुरू में ये सिर्फ एक फोक आर्ट के रूप में मानी जाती थी, लेकिन अब इसका यह इंटरनेशनल ख्याति इसे मिल चुकी है। अब ये बहुत ही पॉपुलर पेंटिंग मानी जाने लगी है। इसमें बहुत सारे स्टाइल होते हैं, बहुत टाइप की मधुबनी पेंटिंग बनाई जाती है, जिसमें आज मैं कश्मीरी स्टाइल की मधुबनी पेंटिंग पे वर्क कर रही हूँ। अगर आपको कितने टाइप के स्टाइल होते हैं और इसकी क्या मान्यता होती है, क्यों अलग अलग स्टाइल से किए जाते हैं, इसके बारे में जानना है तो आप मेरी मधुबनी पेंटिंग ट्यूटोरियल को ज़रूर देखें, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। कश्मीरी स्टाइल की मधुबनी पेंटिंग की खास बात होती है इसमें डिफरेंट पैटर्न्स यूज़ किए जाते हैं जब पेंटिंग तैयार की जाती है, और डिफरेंट पैटर्न से ये पूरी पेंटिंग इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है जिससे कोई भी इसमें कलर अगर ना भी यूज़ किया जाए तो ये बहुत ही सुंदर लगती है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं कोई भी कलर यूज़ नहीं कर रही हूँ। इसी तरह अगर आपको कलर यूज़ करना है और कश्मीरी पैटर्न से भी यूज़ करना है तो आप कश्मीरी स्टाइल की मधुबनी पेंटिंग में एक या दो कलर का यूज़ कर सकते हैं बस हाईलाइट करने के लिए। लेकिन जितनी ज़्यादा इसमें पैटर्न्स आप डालेंगे ये इसकी सुंदरता बढ़ती जाएगी, इसलिए मैं डिफरेंट पैटर्न्स यूज़ कर रही हूँ इस लेडी के पोशाक में, जिससे मेरी पेंटिंग बहुत ही सुंदर बनती चली जाए। ट्रेडिशनल स्टाइल से मधुबनी पेंटिंग को तैयार करने के लिए निब पेन का यूज़ किया जाता है, लेकिन टाइम की कमी हो जाने के कारण आजकल सीडी मार्कर का यूज़ किया जाता है मधुबनी पेंटिंग को तैयार करने के लिए। ये भी काफ़ी सुंदर लगता है बनने के बाद। आप अगर ट्रेडिशनल स्टाइल से बनाना चाहते हैं तो आप हैंडमेड सीड पर निब के द्वारा भी पेंटिंग तैयार कर सकते हैं। मैं जल्द ही आपके साथ इस टाइप के ट्रेडिशनल स्टाइल की मधुबनी पेंटिंग आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी, जिससे अभी आपकी कोई भी डाउट्स होती है इस पेंटिंग को तैयार करने के लिए तो वो डाउट्स आपकी क्लियर हो जाएगी, जैसे निब का पेन का यूज़ कैसे किया जाता है और निब पेन के लिए इंक कैसे यूज़ की जाती है, वो सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसके बारे में कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर ऑलरेडी कर चुकी हूँ, जिससे आपको थोड़ी बहुत आइडिया होगी कि मधुबनी पेंटिंग के लिए क्या क्या मटेरियल यूज़ किए जाते हैं। यहाँ मैंने कुछ पैटर्न्स डाल के इस लेडी के दुपट्टे को तैयार कर लिया है। अब मैं इसके स्कर्ट और लहंगे वाले एरिया को तैयार करूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी पैटर्न यूज़ कर रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैं पैटर्न यूज़ कर रही हूँ आप भी सेम पैटर्न यूज़ करें। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी स्टाइल ले सकते हैं, कोई भी पैटर्न ले सकते हैं, लेकिन जब भी पैटर्न आप कोई भी पैटर्न देते हैं दो पैटर्न के बीच डबल लाइन को ज़रूर रखें, जिससे आप जो भी डिज़ाइन तैयार करें वो अलग अलग दिखे और अट्रैक्टिव लगे।
यहाँ मेरी लेडी तैयार हो चुकी है जो बहुत सुंदर लगने लगी है। अब मैं बैकग्राउंड के लिए यहाँ पेंसिल यूज़ की हूँ और बैकग्राउंड में कुछ लीफ के पैटर्न्स ड्रॉ करूँगी जिससे ये मेरी बैकग्राउंड फिल हो जाए और बहुत ही सुंदर लगने लगे ये पेंटिंग। जो भी मैं पेंटिंग तैयार करती हूँ, आप इस पेंटिंग को अगर देखना चाहते हैं तो आप मेरे एफबी पेज पे जाकर देख सकते हैं। मेरे एफबी पेज का नाम है वंदना आर्ट एंड क्राफ्ट। वहाँ आपको मेरी ट्यूटोरियल से जुड़ी जितनी भी पेंटिंग है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। अगर आप इस पेंटिंग को बनाकर मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे एपी पेज पे भी शेयर कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे इंस्टाग्राम आईडी को भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी टाइप के फोक आर्ट से रिलेटेड वीडियो अक्सर डालती रहती हूँ। ये देखिए मेरी पेंटिंग लगभग तैयार हो गई है। अब मैं टोकरी में कुछ सब्जियाँ बना दूँगी जिससे ऐसा लगे कि ये सब्जियों की टोकरी लेकर जा रही हैं। ये देखिए मेरी पेंटिंग तैयार हो गई है जो देखने में बहुत सुंदर लगने लगी है। आपको कैसी लग रही है आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और थैंक यू सो मच गाइस इस पेंटिंग ट्यूटोरियल का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू सो मच।